पिछले कुछ दिनों से किसान सड़कों पर सरकार द्वारा लाए कानून विरोध कर रहे हैं। मीडिया में उनकी छवि बिगाड़ने की जो कोशिश की गई, उसके बाद से ही किसानों के आंदोलन में गोदी मीडिया के खिलाफ काफी विरोध देखने को मिला। सत श्री अकाल गोदी मीडिया जी, हम पंजाब में 2 महीने से बैठे हैं। आप कहाँ थे, आज यहाँ आ गए हैं तो आप करा रहे हैं ऐसे है गोदी मीडिया मर्दाबाद मर्दाबाद। आखिर ये विरोध क्यों हो रहा है, आज हम सिर्फ जी न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी की बात करेंगे। इसे से ही किसानों के विरोध का कारण आपको समझ आ जाएगा। जब किसान धरने पर बैठे, उसके बाद एक बात काफी निकल कर आई कि किसानों के आंदोलन में खालिस्तान की एंट्री हो चुकी है। ये बात सुधीर चौधरी अपने शो डीएन में बताते नजर आए। वह एक आदमी के बयान से खालिस्तान का अंदाजा लगाते दिखाई दिए। क्या उनको लाखों किसान विरोध करते नहीं दिखाई दिए या उनकी आवाज सुनाई नहीं दी? इस आंदोलन में शामिल एक व्यक्ति ने जब हमने उससे बात की, उससे जानना चाहा कि उसके मन में क्या है, क्यों आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन के पीछे उनकी मांगे क्या हैं, उनकी रणनीति क्या है, उनका रोड मैप क्या है, तो फिर उस व्यक्ति ने क्या कहा ये सुनकर आप शायद घबरा जाएंगे। इस व्यक्ति ने ये धमकी दी कि इस और उससे ये लगता है कि इस आंदोलन में अब खालिस्तान की एंट्री हो चुकी है। आप सब जानते हैं ये जो किसान हैं ये पंजाब से आ रहे हैं और हजारों किसानों की इस भीड़ में अब कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी आ गए हैं जो अपना एजेंडा चला रहे हैं और उनका एजेंडा किसानों से अलग है। और इसलिए आज हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि इस आंदोलन में अब खालिस्तानी एलिमेंट्स की एंट्री हो चुकी है। इसके बाद सुधीर चौधरी ने अपने शो डीएनए में एक ट्राली दिखाई जिसमें खालिस्तान का स्टिकर लगा हुआ था, तो वह इस आंदोलन में खालिस्तान के शामिल होने का प्रूफ भी देने लगे। हमने आपको दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर खड़े एक ट्रैक्टर की तस्वीरें दिखाई थी जिस पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे हुए थे और AK-47 राइफल का एक चित्र बना हुआ था। हमने इसी दौरान आपको प्रदर्शन में शामिल एक प्रदर्शनकारी का बयान भी सुनाया था जो ये कह रहा था कि जो हाल इंदिरा गांधी का हुआ था वही हाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करेंगे अगर उनकी बातें नहीं मानी गई तो। फिर भी हमें एक बार को तब ये लगा था कि इस आंदोलन में खालिस्तान की एंट्री तो हो गई है लेकिन नफरत वाली इस मिसाइल की रफ्तार शायद ज्यादा नहीं होगी। इस खबर को दिखाने के सिर्फ 15 घंटे के अंदर ही न्यूयॉर्क में भारत के किसानों के समर्थन में रैलियां निकाली गईं और इनमें भी खालिस्तानी विचारधारा वाले पोस्टर लहराए गए। इसके बाद आम जनता में और ट्विटर पर सुधीर चौधरी का काफी विरोध हुआ। इसके अलावा जब भी उनके कोई पत्रकार किसानों के पास गया उनकी राय लेने के लिए तो उसे किसानों द्वारा भगा दिया गया। हमने ये कल जी न्यूज का लेके आए हुए थे, कल इनको हमने भगा दिया था, तो आज ये माइक चेंज करके आ गए। अब मैंने इसको आते ही पूछा कि आप जी न्यूज के हो गया, तो ये कह रहा है कि भाई हम जी हिंदुस्तान के हैं। मैं उसका मालिक कौन है? मालिक तो एक ही है क्योंकि जी न्यूज वालों को कोई इंटरव्यू नहीं दे रहा है, इनको देखते ही भगा रहे हैं और आज ये अपना माइक चेंज करके आ गए। लेकिन वही बात है, शक्ल जो होती है ना वो पहचान में आ जाती है। जो इनके ऊपर जो दलाली का जो डब्बा लगा हुआ है ना वो अपना पहचान में आ जाता है। जी पत्रकार मोदी जी, क्या कहना चाहोगे, ये जो इस तरह से आपके साथ हो रहा है क्यों ऐसी नौबत आ रही है? जी जी क्यों ऐसी नौबत आ रही है, नहीं बताइए आप। भारी विरोध के बाद सुधीर चौधरी ने अपने शो डीएनए में किसानों के आंदोलन के समर्थन में बात की और उनकी तारीफ भी करते दिखाई दिए। जो पहले इसमें खालिस्तानी एंगल ढूंढ रहे थे अब वे उनके लिए अच्छे हो गए। एक नागरिक के तौर पर आप इस आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों और खास तौर पर सिख आंदोलनकारियों के आचरण और वैचारिक ईमानदारी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अब हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, बातचीत करने के लिए जब किसान जा रहे थे एक बस में, उस बस में किसान नेता कैसे अपने नोट्स पढ़ते हुए जा रहे थे, कैसे अपनी तैयारियां करते हुए जा रहे थे। अब आपको ऐसी कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। ये किसान जहां भी आंदोलन कर रहे हैं उस जगह की आज साफ सफाई का पूरा ध्यान ये खुद रख रहे हैं। आंदोलन के दौरान जैसे ही वहां पर गंदगी फैलती है, क्योंकि इतने सारे लोग वहां खाते पीते भी हैं रहते भी हैं तो गंदगी तो फैलती ही है, लेकिन अब वहां जो युवा किसान हैं वो उस गंदगी को फौरन साफ करने में जुट जाते हैं। जो कूड़ा इन्होंने वहां फैलाया है उसे खुद डस्टबिन में डाल रहे हैं, ये उसकी एक झलक है और ये देश के बाकी आंदोलनकारियों को भी सीखना चाहिए।
लेकिन इसके बाद जब किसानों ने भारत बंद करने को कहा तब भी वे क्या कह रहे हैं आप ये खुद ही सुन लीजिए। बड़ी बात यह है जिसको आज हम आपके सामने लाना चाहते हैं कि अपनी मांग मनवाने के लिए कुछ भी बंद करने की क्या जरूरत है, अपनी मांगों को मनवाने के लिए कुछ भी ब्लॉक करने की क्या जरूरत है, मांगों को मनवाने के लिए कुछ भी ठप करने की क्या जरूरत है, बाजारों को बंद करने की, दफ्तरों को बंद करने की, दूध सब्जियां बंद करने की क्या जरूरत है, क्या इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है? क्योंकि ये नकारात्मक प्रदर्शन है। भारत बंद और इस तरह के प्रदर्शनों की शुरुआत स्वतंत्रता आंदोलन से हुई थी। वैसे भी आज के डिजिटल युग में भारत बंद कराना लगभग असंभव है, क्योंकि अगर बाजार बंद भी हो जाएं, दफ्तर बंद भी हो जाएं, तब भी इंटरनेट की मदद से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर शॉपिंग चलती रहती है। ऑफिस बंद हो जाएं तो वर्क फ्रॉम होम चलता रहता है, और स्कूल बंद हो जाएं तो क्लासेस ऑनलाइन चलती रहती हैं, हर चीज ऑनलाइन हो सकती है। इसलिए जो लोग आज ये सोचते हैं कि वो भारत बंद कर देंगे, उन्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है। संभव है कि कल कुछ सड़कों और बाजारों को बंद करा दिया जाए। अब ये कहना मुश्किल हो गया है कि वे किसानों के समर्थन में है या विरोध में। अगर समर्थन कर रहे हैं तो किसका? देखते हैं क्या पता अगले डीएनए में ये साफ ही हो जाए कि वे किसानों का समर्थन कर रहे हैं या सरकार का। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।